नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए साइकेट्रिस्ट केळकर हॉस्पिटल में। जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ वो है मोटिवेशनल वीडियोस फॉर यंग स्टूडेंट्स, और मैं अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टिप्स बता रहा हूँ जिससे जो यंग विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम हुई स्टूडेंट्स है, वो अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। पिछले दो वीडियोस में मैंने कुछ पॉइंट बताया और वही मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज का जो मेरा जो पॉइंट है वो है सेल्फ बिलीफ। अगर स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल है ना होना है एग्ज़ाम में, तो सेल्फ बिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ बिलीफ मतलब खुद पे विश्वास, आत्मविश्वास। पूरी दुनिया ने अगर हमारे ऊपर विश्वास खो दिया, फिर भी हमने हमारा विश्वास नहीं खोना है। अगर हर व्यक्ति बोलता है कि तू ये कर नहीं सकता, तो भी हमने ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। आई कांट में से टी निकाल देना है और हर चीज़ में ये सोचना है कि आई कैन। सेल्फ बिलीफ इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें जीरो से हीरो बना सकता है। सेल्फ बिलीफ ही ऐसी क्वालिटी है जिसने हर व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाया है। इस सेल्फ बिलीफ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक स्टोरी बताना चाहूँगा। छोटा सा हाथी होता है जिसको हम सर्कस में रखते हैं, वो भाग ना जाए इसलिए उसका जो पैर है हम वो चेन से बांध के रखते हैं। वो जो हाथी होता है वो बार बार पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन से वो हाथी निकल नहीं पाता। खून निकलना चालू हो जाता है, वो हाथी को उस पैर पे इंजरी होती है, लेकिन फिर भी वो हाथी वो पैर निकाल नहीं पाता। वो हाथी का जो सेल्फ बिलीफ है वो पूरी तरह मार खाता है। वो हाथी को ये लगने लगता है कि मैं इस जो चेन है वो उस चेन से मैं बाहर निकल सकता नहीं। यहाँ उसका सेल्फ बिलीफ डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे ये जो हाथी है ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, विशालकाय होता है। ऐसा हाथी जो पेड़ निकाल सकता है, घर तोड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हाथी वो चेन से अपना पैर निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उसका जो सेल्फ बिलीफ है वो शरीर से तो बढ़ गया है, लेकिन जो सेल्फ बिलीफ है उसका वो धीरे धीरे बढ़ा नहीं। उसका जो सेल्फ बिलीफ है वो ख़त्म हो चुका था। हाथी को ये नहीं ध्यान में आया कि मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मैं ये चेन से पैर निकाल सकता हूँ। उसको यही लगते रहा कि मैं चेन से छुटकारा पा नहीं सकता। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इतना इम्पैक्ट हो सकता है अगर हमारा सेल्फ बिलीफ डैमेज हुआ होगा तो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ बिलीफ ऐसी एक चीज़ है जो अंदर से अगर हमने लाई तो हम कुछ भी, कहीं भी पहुंच सकते हैं, चांद तक भी पहुंच सकते हैं। और एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा सेल्फ बिलीफ के लिए। एक गांव में सालों से बारिश नहीं हुई थी, तो हमेशा लोग ये प्रार्थना करते थे कि वहां बारिश आ जाए। तो एक दिन क्या हुआ, एक संत बाबा वहां आए, पूरे गांव के सब लोग वहां जमा हो गए और वो संत बाबा को बोले कि बाबा ऐसा कुछ चमत्कार करो जिससे वो गांव में बारिश आने लगे। वो जो संत बाबा थे वो बोले कि आप सब गांव के सभी लोग हैं वो सुबह 7 बजे ये जगह, ये जो मंदिर है यहाँ सब लोग जमा हो जाए। अगले दिन पूरे गांव के जो भी 4-5-10 हज़ार लोग थे वो सब लोग वहाँ जमा हो गए, लेकिन खाली एक ही बच्चा था जो छाता लेकर आया था, क्योंकि उसको इतना बिलीफ था खुद के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर और वो संत बाबा के ऊपर कि उसको लगा कि आज डेफिनेटली बारिश होगी। इतना बिलीफ अगर हमें, हम पर और दूसरों पर, अपने टीचर्स पे है, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। नेपोलियन हिल जो थे, जो बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने क्लियरली बोला था, वॉट एवर द माइंड कंसीव्स यू कैन अचीव। जो भी हमारा मन सोचता है वो हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कितना भी हम पढ़ाई में पीछे हो, अगर हमको फेलियर आ रहा है, हम कोई भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है, सेल्फ बिलीफ रखना है और हम कोई भी चीज़ पा सकते हैं। बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हुए हैं, सभी लोग फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी जब फेलियर जब में थे वो, पूरी दुनिया उनको छोड़ के चली गई थी, लेकिन उन्होंने अपना जो बिलीफ है वो नहीं खोया। अब्राहम लिंकन बहुत बार, करीब करीब 11 बार 20 बार वो फेल हुए लाइफ में, इलेक्शंस हारे,
लेकिन उन्होंने जो अपना सेल्फ बिलीफ था वो नहीं खोया। युवराज सिंह कैंसर से गुजरे लेकिन सेल्फ बिलीफ नहीं खोया। शाहरुख खान एक ऐसी जब स्टेज थी उनकी, जब पूरी उनकी जो फिल्म से वो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन उन्होंने सेल्फ बिलीफ नहीं खोया। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि सेल्फ बिलीफ हमने खोना नहीं है और हर दिन रोज प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे हम एंड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे के वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।